AI इलेक्ट्रिक बस है ना, इसका में 75 रुपीज वाला पास चलता है, इसमें और कोई पास नहीं चलेगा आपका। ये आंटी बोलती भी है, बताती भी है कि कहाँ पर उतरना है, सारी लैंग्वेज में बोलती है। तो गाइज ऐसे ना आपका पास स्कैन होगा मशीन के साथ, जो आपने एक दिन का बनवा रखा होगा, तो उसके बाद आपको टिकट मिलेगी। तो गाइज देखो इसके ऊपर लिख रखा है सुखना लेक, तो इस वाली बस में चलते हैं। एक दिन के लिए वैलिड होगा ये, तो आप पूरा चंडीगढ़ घूम सकते हैं। हाँ जी, भी है आंटी ब्लॉग्स। गलत बस में बैठ गए हैं। आप रोक सकते हो, ये आ रहा है बर्ड पार्क। ये देखो इस साइड को, ये रास्ता जाता है बर्ड पार्क। हाँ दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त दिन देता हूँ, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? तो अभी टाइम हो गया है 9:50 हो गए हैं, तो आज हम चलेंगे चंडीगढ़ सी2 के अंदर घूमने, है ना। पूरा एक दिन घूमेंगे बस के अंदर, बाकी देखेंगे कि कितना प्राइजेज लगेंगे आपके पूरा एक दिन घूमने के लिए। बाकी एक दिन वाला ना पास बन जाता है, वो बनवा के हम घूमेंगे और आपको भी बताएंगे कि वो पास कितने का बनेगा और कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। तो चलेंगे। तो गाइस विशाल भी आ गया, क्या हाल है भाई? भाई क्यों आ गया तू इतनी धूप में मेरे बोलने पे? दोस्तों के साथ देखते तो चलते अभी बाइक से चलेंगे, फिर कहीं पर जाके बस पकड़ेंगे। तो गाइस बाइक को यहाँ पर खड़ा दिया, अब चलते हैं बस को ढूंढते हैं, कोई एक बस मिल जाए उसके बाद हम पास बनवा लेंगे। तो गाइस अभी हम सेक्टर 8 पहुँचे थे, सेक्टर 8 A सेक्टर में। तो अभी यहाँ पर तो बस शायद मुझे लग रहा आ जाएगी नहीं, क्योंकि ना आज छुट्टी है, छुट्टी को सीटी बंद करी थी भाई। शायद इससे इस साइड का रूट बंद हो, और हमें टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं पता, और यहाँ पर रोड भी बन रहा है। या तो हमें जाना पड़ेगा उस साइड सेक्टर 8 तो खड़े हम रॉक गार्डन की साइड, या 10 सेक्टर की साइड। 10 सेक्टर पहुँच चुके हैं, अभी बस का वेट कर रहे हैं। आएगी भाई यहाँ पर? हाँ लिखा हुआ है बस स्टैंड, तो देखते हैं अभी कब तक आएगी बस। तो गाइज ये है इलेक्ट्रिक बस, है ना। तो गाइज देखो ग्रीन वाली आ रही है, जो ग्रीन वाली है ना नॉन AC बस है ये, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक है ना उसकी अलग ही पहचान है, आपको दिख जाएगी, उसके अंदर फुली AC है। और एक रेड वाली बस चलती है, वो भी फुली AC है, बट ये जो ग्रीन वाली है ना, ये आपको दिखा दी जो पीछे आपने देखी, तो ये नॉन AC है, तो हम जाएंगे AC वाली में। गाइज बिना लेके ही चला गया, पॉपट हो गया। तो गाइज सुबह 10 बजे के निकल रखे हैं और 10:45 हो गए हैं, और अभी भी हमें कोई भी बस नहीं मिली। मिल भी जाएगी भाई, हमें मिल गई। हाँ हमने ली तो हमें बहुत है। तो गाइज रेड वाली बस आ गई है, तो इसके अंदर चढ़ते हैं अब। तो गाइज फाइनली बस मिल गई है, पास कहाँ का 75 रुपीज़ का एक बंदे का पास है। देखो ये इसके ऊपर ना नाम लिख देते हैं, मतलब कि आपका ना एक दिन के लिए वैलिड होगा ये, तो आप पूरा चंडीगढ़ घूम सकते हैं। ये है AC पास, और बिना नॉन AC का पास थोड़ा सस्ता होगा, दस रुपये सस्ता होगा। ठीक है, AC में मजा कर यार। अब कंडक्टर को बोल देना कि एक दिन का ना AC पास बना दो, तो आपका 75 रुपीज़ का बन जाएगा, तो उसके साथ आप पूरा एक दिन चंडीगढ़ में घूम सकते हो। अगर आपने नॉन AC बनाना है तो आप एक रेड वाली बस में नहीं बैठ सकते, और इलेक्ट्रिक बस में नहीं बैठ सकते। ठीक है, बाकी अभी चलते हैं, अभी कहाँ जाना है, सतारा चलते हैं। सतारा आएगा रोक लियो, कहीं आगे ही चला जाए तू। सतारा सेक्टर पहुँच गए हैं, तो उतरते हैं अभी। तो अभी सतारा सेक्टर पहुँच गए हैं, ये देखिए बस स्टैंड, यहाँ से चलेंगे हम 43। अगर आप 43 बस स्टैंड से आ रहे हो तो आप सतारा सेक्टर भी आ सकते हो, अगर आप सतारा सेक्टर आए हो तो यहाँ से सतारा सेक्टर आप 43 भी जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से एक बस पकड़ेंगे 43 के लिए। AI इलेक्ट्रिक बस है ना, इसका में 75 रुपीज़ वाला पास चलता है, इसमें और कोई पास नहीं चलेगा आपका, नॉन AC वाला, और ये AC है पूरी। और बाकी ये रेड वाली के अंदर भी आपका पास चलेगा 75 रुपीज़ वाला, रेड वाली AC है और इलेक्ट्रिक ग्रीन वाली AC है, और ये वाली नॉन AC है, ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल। अब हम पकड़ते हैं 43 के लिए, अभी हम खड़े हैं सतारा सेक्टर बस स्टैंड में। गाइस इलेक्ट्रिक बस मिल गई है, पर इसमें भीड़ बहुत है, बट कोई नहीं, देखते हैं, चलते हैं अंदर। गलत बस में बैठ गए हैं, पोपट हो गया भाई, पता क्यों हुआ ये, किसी और के ऊपर हंस देते ना। तो गाइस जो इलेक्ट्रिक बस होगी ना, उसके अंदर आपको आवाज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी, मतलब कि बस ऐसे लगेगा कि चल रही है, पता भी नहीं चलेगा कि चल रही है। और उसे आंटी बोलती भी है, बताती भी है कि कहाँ पर उतरना है,
सारी लैंग्वेज में बोलती है, हिंदी पंजाबी अगर किसी को नहीं आती। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाउसिंग बोर्ड, है ना, तो आना तो है नहीं था यहाँ पर, बट आप हाउसिंग बोर्ड भी आ सकते हैं अगर आपको कोई मनी माजरा में काम पड़ रहा है ना, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। बाकी अभी हमें जाना था 43, अब यहाँ से देखते हैं इसी बस में वापस चल जाएंगे, 17 से ही पकड़ेंगे। बाकी हाउसिंग बोर्ड की लाइटों पे पहुँच गए मनी माजरा की, अगर आपको कोई मनी माजरा में काम है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। बाकी पूछ के चढ़ें बस के अंदर, हमारे जैसे मैं चलते ना कि इलेक्ट्रिक बस दिखी और उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है, पूछ लेना कि 43 जा रही है, कहाँ पर जा रही है, कहीं पर नहीं जा रही है। यूट्यूब पर चैनल है कौन सा, वेंट ब्लॉग्स सर्च कर लेना, दूसरी बस भी मिल गई, चलो चढ़ते हैं इसके अंदर। 43 जा, तो गाइस साथ की साथ ही बस मिल गई अब दूसरी, अब ये जा रही है 43, है ना, वहाँ पर पास की चेकिंग करा रहे विशाल, तो उसके बाद चलते हैं, पास की चेकिंग कराने के बाद अब चलते हैं सीधा 43 सेक्टर। गाइस टिकट भी मिलती है ना पास दिखाने के बाद, ये टिकट मिली है ना। तो गाइस 43 पहुंच चुके हैं अब, है ना, तो 43 के बस स्टैंड पे उतरते हैं, रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ, बस स्टैंड पे उतरते हैं, तो फिर यहाँ से पकड़ेंगे कोई और, बाकी पहुंच चुके हैं ये देखो। तो गाइज अभी हम खड़े हैं, आपको पता ही है 43 के बस स्टैंड पे, है ना, 43 सेक्टर के बस स्टैंड पे। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो यहाँ से आपको पकड़नी है ग्रीन वाली बस इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक भी पकड़ सकते हो, और ये वाली जो इलेक्ट्रिक बस है ना, तो ये सुपना लेक, बर्ड पार्क और रॉक गार्डन की तरफ जाती है। तो अब हम यहाँ से पकड़ेंगे इलेक्ट्रिक बस, है ना, सुपना लेक के लिए, है ना, सुपना लेक के लिए बस पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं, तो चलते हैं। तो गाइज देखो इसके ऊपर लिख रखा है सुपना लेक, तो इस वाली बस में चलते हैं। तो गाइज ऐसे ना आपका पास स्कैन होगा मशीन के साथ, जो आपने एक दिन का बनवा रखा होगा, तो उसके बाद आपको टिकट मिलेगी एक, ये देखो ये रही टिकट। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं 22 सेक्टर के अरोमा होटल, बोल देंगे क्या बोलेंगे, ये रहा अरोमा, पहले देख लो ये होता है, जो मशहूर है, मतलब आपने काफ़ी गानों वगैरह में इसका जिक्र सुना होगा, ओवर एटेड है। इसी रास्ते में ना अंदर यहाँ पर भी आप रोक सकते हो, ये आ रहा है बर्ड पार्क, ये देखो इस साइड को ये रास्ता जाता है बर्ड पार्क को। तो बस अब लेक पहुँच गए हैं, लेक पे उतरते हैं। तो गाइस सुपना लेक पहुँच गए हैं, बाहर आके गर्मी लगती है, अंदर एसी वाली बस है, बाकी ये वाली बस में आए थे हम। ये देखिए ऐसे बस स्टॉप बन गया है हर एक जगह, अब यहाँ से सोचते हैं कि कहाँ पर जाएं। गाइस अभी चलते हैं सुपना लेक की तरफ, अगर आपने दोबारा से बस पकड़नी है ना, तो यहाँ से मिलेगी आपको सुखना लेक के सामने से, बाकी एक शॉर्ट सुखना लेक का लेके आते हैं, उसके बाद कहीं और चलेंगे। तो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कि प्रॉपर गर्मी आ गई है, और ये रहा लेक का व्यू, देख सकते हैं आप, अगर बोटिंग करनी है तो बोटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस 34 सेक्टर आ रखे थे, तो यहाँ पर ना खाना खा के अब निकलते हैं, अब सोच रहे हैं कि कहाँ पर गए, ऑलमोस्ट सारी जगह कवर कर तो दी, बाकी अगर एक बात दी रह रही है तो उसको सोचते हैं अभी, बाकी चलते हैं अभी यहाँ से। तो गाइस आ चुके हैं ना पूरा घूम के चंडीगढ़, तो होप करता हूँ ना कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता चल गई हो कि कैसे टिकट पास बनवाना है या टिकट लेनी है, और कहाँ से कैसे जाना है, कैसे आना है। अगर बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा आप भी ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अभी चलते हैं घर। 70 भाई, 1 किलो बढ़ गया, पहले मेरा था 68 या 69 था, 1 किलो बढ़ गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, पकड़ा ही नहीं तार के मोबाइल में, देखते 1 किलो बढ़ गया। तेरा ठीक है, बात है ना, ये देख लो गाइस इसकी रियलिटी देख लो।
एक किलो बढ़ गया इसके वजह से। तो गाइस पहुंच गए बाइक के पास, निकालते हैं अब इसको। We are reach home sweet home. I never thought I'd feel like this.